दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली जेसी ट्रैवलर पर और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी मोड़ पे, जो कि इस्लामाबाद और पिंडी के बिल्कुल संगम पर मौजूद है। और अभी आपने देखा मैंने एक लोकल गाड़ी से उतरा हूं, लेकिन मैं इससे उतरा नहीं हूं, मैं उतरा तो बड़ी गाड़ी से था, ये ड्रामेबाजी की सिर्फ इंट्रो करने के लिए। और अभी ये जो है मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ गोल्डा शरीफ और आज आपको दिखाऊँगा इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके बारे में शायद लोगों ने सुना भी नहीं है, अगर तो मैं जा सका तो वह ज़रूर कवर करूँगा जगह और आपको दिखाऊँगा और उनकी तारीख के हवाले से बात करेंगे। तो अभी लेकिन मैं जा रहा हूँ गोल्डा शरीफ, तो मेरे साथ रहें और आज घूमते हैं इस्लामाबाद। और जी, मंडी मोड़ के अड्डे पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जगहों से हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस्लामाबाद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारा करक से ताल्लुक है। करक से जी। इस्लामाबाद में कब से रह रहे हैं? हमारा तकरीबन हो गया 13 साल हो गया। 13 साल हो गया। अच्छा, कहते हैं इस्लामाबाद में लोग बड़े खुश टाइप के होते हैं। बिल्कुल, आजकल तो थोड़ा सा गर्मी है। अच्छा, बहरहाल पहले खुश थे। अच्छा, और इस्लामाबाद का सिर सपाटे का जगह है। हाँ, दामन वो भी है, फैसल मस्जिद भी है, सात मरी भी है। अच्छा, उसके बाद चत्तर पार्क भी है। बहरहाल सैर सपाटे की जगह है, जब दिल पेशावरी करता है तो इस्लामाबाद आ जाओ। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लोग कैसे हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामाबाद के लोग अच्छे हैं। आपको कौन से लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हमको पंजाबी लोग अच्छे लगते हैं, सिंधी भी लगते हैं, उसके बाद बलूची भी अच्छे लगते हैं, लेकिन अफगानी पठान अच्छे नहीं लगते। ऐसे हम बहुत तंग है, हम ऐसे बहुत तंग है, जितना ये जो फिर बदाई अड्डा है सारा गंद मचा हुआ है। चले 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 जी, गाड़ी बहुत शुक्रिया। और यो गाड़ी मेरी बिल्कुल हो गई है और देखते हैं जगह है बैठने की कि नहीं। भाई चलते हैं, जगह खड़ा पड़ेगा। अच्छा जी, चले जी खड़े होके चलते हैं, अब जगह अंदर नहीं बची है भाई, ये कैमरा नहीं पकड़ पाएंगे। और जी, इस टाइम मैं गोल्डा शरीफ के लिए निकल गया हूँ, जो कि यहाँ से 12 किलोमीटर का रास्ता है और बता रहे हैं कि आधे घंटे में पहुँचेंगे, तो बैठने की सीट तो मिली नहीं है तो इस तरह लटक के जाना पड़ रहा है, लेकिन इसका भी अपना एक मज़ा है। और इस्लामाबाद में जो मौसम है वो कतरे बेहतर है कराची या फैसलाबाद लाहौर के नस्बत से, तो सुबह का टाइम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर और सूरज निकल चुका है, लेकिन तपिश इतनी ज़्यादा नहीं है। ये गोल्डा शरीफ का आखिरी स्टाफ है इस छोटी सी सुजुकी का, इसको सुजुकी कहते हैं यहाँ पे। और अभी मैं देखता हूँ कि किराया कितना लेते हैं मंडी मोड़ से गोल्डा शरीफ तक का। आइए चलते हैं आगे और चल के देखते हैं कि मज़ार किस तरफ है। और जी, गोल्डा शरीफ पीर मेहर अली शाह साहब के मज़ार पे मैं आ गया हूँ इस टाइम, और ये एंट्री पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरे का रुख मार करता हूँ और हम आगे चलते हैं मज़ार की तरफ। ये है एंट्रेंस, इस तरह यहाँ से क्यू बना के चलते हैं लोग। और Yeah.
और जी चेकिंग के बाद जो है ये सारा पार्किंग एरिया है शायद, और अभी मुझे भी नहीं पता, एक साहब हैं उनका नाम मुझे नहीं पता, वो हमें लेके जा रहे हैं जो यहीं के रिहायशी हैं, और उन्होंने ही परमिशन वगैरह का सारी अरेंज कराई है हमारी। अभी चलते हैं अंदर, चल के देखते हैं। और बड़ा ही वसी अरीज जो है यहाँ का किचन है, और हर वक्त जो है लंगर यहाँ पे चलता रहता है, और क्योंकि बड़ा फेमस है इस हवाले से। वो कहते हैं कि 7 सराय यहाँ पे हैं जिनके हज़ारों कमरे हैं, और लोग नस्ल दर नस्ल आते हैं इधर, और जो है ना यहाँ ज़्यारत के लिए, और इतवार और हफ्ते को ज़्यादा रश होता है सुना है। अभी चलते हैं, लोगों से बात करेंगे तो पता चलेगा। अभी हम जा रहे हैं किचन की तरफ और देखते हैं किचन में क्या एक्टिविटी है, सुनते हैं कि हर वक्त यहाँ पर जो है देखें चढ़ी रहती हैं। आइए आपको किचन का विजिट कराते हैं। और जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इतनी तादाद में जो है यहाँ पे रोटियाँ बनती हैं और लंगर बनता है कि यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, रोटी का प्लांट है पूरा। आइए पूछते हैं यहाँ पे कि किस तरह से ये सारा जो है सिस्टम काम कर रहा है, तो जो यहाँ पे ये सारा कुछ करते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये लंगर का जो सिस्टम है, माशाल्लाह मैंने देखा है यहाँ प्लांट भी लगा है रोटी का, तो यहाँ कितने लोगों का लंगर बनता है और कब कब लंगर जो है ये चलता है? ये शुरू से लंगर चलता है, बिल्कुल शुरू से आला हजरत के दौर में चल रहा है। अच्छा, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम जो है वो होते रहते हैं, तो लंगर बेशुमार, लंगर है बेशुमार, दुनिया आती है। अच्छा, जितने अच्छा। भी लोग आ जाएं इधर लंगर की कमी नहीं है। ज़बरदस्त जी। मैंने सुना है कि यहाँ पे रहने के लिए फ्री कमरे भी दिए जाते हैं और लंगर भी कराया जाता है। भी बनी हुई है, कमरे भी है, बहुत अच्छी रहायश मिलती है, 3 दिन यहाँ पे मेहमान नवाजी की जाती है। अच्छा, तो रोज़ाना कितने लोगों का लंगर बनता होगा? बेशुमार लोग हैं, आप गिन नहीं सकते। आज आप आए हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं आज माशाल्लाह कि एक वो लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। रश किन दिनों में ज़्यादा होता है? रश देखें जी, जुमेरात, जुमा, अच्छा, बल्कि हर दिन ही रश है, हर दिन रश जी होता है। आप देखेंगे आज आए हैं ना आप, तो आप देख लेना कि कितना रश है, कितनी तादाद में लोग आते हैं। अच्छा अच्छा जी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? पूरी दुनिया से आते हैं सर। अच्छा जी, किस अकीदत के साथ आते हैं और यहाँ पे यहाँ मन्नतें वगैरह भी मानी जाती हैं, मानते हैं? असल में नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, जो आला हजरत के मरीद थे, आगे उनके बेटे बाबूजी के मरीद थे, आगे फिर ऐसे ही सिलसिला चल रहा है नस्ल दर नस्ल। अच्छा, तो लोग आते हैं, खिदमत भी ये करते हैं ना लोग लंगर में, बड़ी अकीदत से आके यहाँ पर वो काम करते हैं। अच्छा जी, चले बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना कि लोग बड़ी अकीदत से आते हैं और नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाता है, लेकिन मतलब पूरे पूरे ख़ानदान पीढ़ियां जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। और ये लंगर खाना था, लंगर खाना क्योंकि एक यहाँ की बहुत स्पेशलिटी है कि लंगर कभी नहीं रुकता, सबको लंगर दिया जाता है, फ्री रहाइश और फ्री खाना यहाँ हर वक्त मौजूद होता है। आइए एक बुज़ुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइएगा कुछ लंगर के हवाले से, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी रोटियाँ जो हैं यहाँ पे आपने तैयार की हुई हैं, तो लंगर का टाइमिंग क्या है इधर, लंगर कब शुरू होता है? नंबर शुरू होता है 12 बजे। अच्छा 12 बजे शुरू होता है? 12 बजे, 3 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 3 बजे के बाद वो फिर शाम की तैयारी करते हैं। अच्छा, शाम की रोटी पूरी करके फिर पास कर। तो कितना कितने लोगों का लंगर होता है 12 बजे आप करते हैं? जी ये तो आपने बाहर देखा है कितनी मखलूक आई होगी। हाँ हाँ हाँ, सबके लिए लंगर होता है? सबके लिए होता है। अच्छा, जब तक मेहमान पूरा नहीं हुआ उसको रोटी नहीं मिली, लंगर बंद नहीं होता। अच्छा, ये मशीन में एक एक टाइम में कितनी रोटियाँ बन सकती हैं? ये 10 बोरियाँ भी पकती है, 12 भी पकती है, 15 भी। आज तो औरत शुरू हो गया, ज़्यादा पकेंगे। आज से औरत शुरू हो गया? हाँ। उरस बाबा जी का कब होता है, किस तारीख को होता है?
हाँ बताओ भाऊ जी का औरस किस तरीके है? जमादी उल सानी की दो और तीन तारीख, दो और तीन तारीख को होता है। अच्छा तो बाबा जी को विशाल को कितना अरसा गुजर गया? 78, 22 और तकरीबन 43 साल हो गए। 43 साल हो गए तकरीबन। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये पूछा जा रहा था लंगर में क्या क्या चीज़ें होती हैं शामिल, या कोई एक खास डिश होती है कोई? नहीं कोई नहीं, लंगर में खास डिश नहीं होती। आम दिनों में दाल होती है, सब्जी होती है। अच्छा। उर्स के मौके पे होता है जनाब ये क्या नाम इसका, गोश्त हो गया, सब्जियां हो गई, चावल हो गए, अगर कमो बेशी हो जाती है रोटी पकाने में तो वो हो जाती है। अच्छा मैंने सुना था कि यहाँ पे जब कोई जहाँ से भी आए, किसी आउट ऑफ सिटी भी आए, तो उसको रिहाइश दी जाती है, बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल। मेरे कराची से कुछ जानने वाले इधर आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पे एक ऐसा दरबार है जहाँ पे आपको रोटी भी देते हैं और रिहाइश भी देते हैं फ्री। जी, तो क्या ऐसा है, कितने लोगों की रिहाइश का इंतजाम है यहाँ पे? यहाँ से तकरीबन को है कोई 7 से 8 हज़ार आदमियों का एक वक्त में रिहाइश का इंतज़ाम। अच्छा। और डेली तकरीबन 1,000 के लगभग काम करने वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा। और अलावा जी कोई तकरीबन 3,000, 4,000, 2,000, 1,500, 1,000 से कम नहीं होते जो बाहर से लोग आते हैं, वो डेली रोटी खाते हैं। अच्छा अच्छा। सुबह नाश्ता मिलता है, दोपहर को रोटी मिलती है और शाम को रोटी, तीनों टाइम मतलब? हाँ तीनों टाइम मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। रिहाइश फ्री, बात फ्री, नहाने का सिस्टम फ्री। अच्छा। कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं है ना। एक वो जूती के 5 रुपए लेते हैं, सिर्फ 5 रुपए, वो इस वजह से कि बाज़ों का जूती आगे पीछे हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, और कोई बात? चले बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि लंगर का तीनों टाइम का इंतज़ाम यहाँ पे मौजूद है, और रोटी बनाने के लिए ख़ास मशीनें यहाँ लगी हुई हैं, और अभी भी देगें चढ़ी हुई हैं क्योंकि 12 बजे लंगर होना है। और इसके अलावा अभी उर्स भी बाबा जी का शुरू हो गया है, तो आइए चलते हैं देखते हैं अंदर। जी बाबू जी का उर्स नहीं शुरू हुआ? मुझे उन्होंने बताया बड़े लाला जी सरकार का उर्स अभी शुरू है। अच्छा अच्छा। हाँ ये बड़े लाला जी सरकार का उर्स शुरू है, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के वालिद शरीफ का। अच्छा अच्छा। तो ये कल से शुरू होगा, ये होता है 2 और 3 ज़िलक़ात को 13-14 बनेगी अंग्रेजी जून, और दिन बनेगा इतवार और पीर। चले बहुत शुक्रिया। चले जी अभी लंगर का जो है वो सिलसिला शुरू हो गया, आइए दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा किस तरह से लंगर तैयार किया जा रहा है।